डायरेक्टर कैंपस साहब और तरबिया डिपार्टमेंट के सर डायरेक्टर साहब, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ, आपने अपनी मसरूफियत से कुछ देर के लिए हमारे लिए वक्त निकाला, इस बात का आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों, हमारी जो मेरी जो स्पीच है वो स्पीच नहीं होगी, बेसिकली एक ही छोटी सी कहानी है, एक लाइक हार्डली फॉर लाइक 10 to 15 मिनट्स एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, और वो कहानी होगी दो मुल्कों की, छोटी सी कहानी है ताकि आपको पता चले, और वो कहानी है दो मुल्कों की, इसराइल और फलस्तीन। कि इसराइल में जो यहूदी आबाद हुए वो हुए कैसे, वो कहाँ से आए, और उनका वो कैसी नस्ल है। अब मैं आपको यहूदियत के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि यहूदी, मैं उस कौम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ बेटा, जो कौम चोरों की कौम है, वो उस कौम के बारे में बताना चाहूँगा जो कौम डकैतों की कौम है, उस कौम के बारे में बताना चाहूँगा जो साजिशी कौम है, उसने हमेशा साजिशें ही की हैं उस कौम ने, उस कौम के बारे में बताना चाहूँगा जिसने अल्लाह ताला की बार बार नाफरमानी की और उन पर तरह तरह के अजाब आए, और बेटा मैं आपको उस कौम के बारे में बताना चाहता हूँ कि जिस कौम ने अंबिया इकराम को ना हक कत्ल किया। हम उस कौम का आगाज करते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौम कहाँ से चली। बेसिकली अगर देखा जाए तो यहूदी जो है ये अपने आप को हजरत याकूब अलैहि सलाम की औलाद यहूदा से करते हैं कि हम वहाँ के यहूदी हैं, उधर से वो अपने आप को मानते हैं। अब बेटा अगर देखा जाए तो यहूदी जो थे वो अपने आप को वहाँ पे मानते थे और फलस्तीन में रहते थे, लेकिन इनका चालबाजियाँ और इनकी सरकशी जो है ये शुरू से चलती आई हैं। इन्होंने हमेशा हर काम पे अल्लाह ताला की नाफरमानी की, इन्होंने अंबिया इकराम को नाहक कत्ल किया, और अपनी चालबाजियों से ये कभी भी बाज नहीं आए और अभी भी बाज नहीं आ रहे। ये वो कौम है जो चालबाजियों की बेस पे कौम चलती है। अगर देखा जाए बेटा तो आपको मैं बताऊं कि ये जो यहूदी थे ये फलस्तीन में रोमन एम्पायर जो कि रूमी थे, रूमी सल्तनत, उनके जर असर ये रहा करते थे, और जो रोमी थे, रोमन एम्पायर जिसे हम बोलते हैं, जो रोमी सल्तनत थी वो इनको अपना दुश्मन समझती थी, और आखिरकार हुआ ये कि हैकल सुलेमानी जिसको ये यहूदी अपना बहुत मुकद्दस मानते हैं, वो क्या किया कि जो रोमन एम्पायर रोमी जो था जनरल टाइटस, उसने उसको तबाह कर दिया, और सिर्फ एक दीवार रह गई उसकी जिसको आज ये दीवार गिरिया के नाम से जानते हैं। ये वहां पर जाके अपनी इबादत करते हैं और सब कुछ करते हैं। जब ये उन्होंने किया जनरल टाइटस ने, ठीक है, उसके 37 साल 300 साल तक सिर्फ और सिर्फ यहूदियों का कत्लेआम हो रहा था, और तकरीबन हिस्ट्री के मुताबिक 2,33,000 यहूदियों को कत्ल किया गया। जनरल टाइटस के ऑर्डर्स थे कि जहां पे आपको ये यहूदी नजर आए उन्हें कत्ल कर दिया जाए, और इन्हें पनाह कौन दे रहा था, सिर्फ और सिर्फ दूसरे ममालिक पनाह दे रहे थे इन्हें। और अगर बेटा अब हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड आते हैं कि जब ये लोग पूरी दुनिया में बिखर गए यहूदी लोग, और ये कहाँ पे आके मुख्तलिफ शहरों में आबाद हो गए, अब जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए और जब मदीना में हिजरत की तो वहां पे बेटे 3 कबीले यहूदियों के आबाद थे, जिनमें से आपको मैं बताता हूँ 3 उनके कबीले आबाद थे बेटा वहां पे। एक था बनू कैनका, दूसरा था बनू नजीर, और तीसरा था बनू कुरैदा। ये 3 कबीले वहां पे कबाइल यहूदियों के आबाद थे, और इन तीनों के साथ जंग की गई, इन तीनों कबाइल के साथ। तो बेटा ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुशरिकीन मक्का के साथ मिलके इन्होंने चालबाजियां की और इनके साथ जंगें की गई, इनको वहां से भी निकाल दिया गया जंगें करके। बनू कैनका मुशरिकीन मक्का के साथ गज़वा बदर में शामिल थे, बनू नज़ीर गज़वा अहद में शामिल थे, और बनू कुरैदा के जो बनू कुरैदा हैं उनके लोग मुशरिकीन मक्का के साथ गज़वा अज़ाब में शामिल थे। तो इस बात से आपको जाहिर होता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा शुरू से अगर देखा जाए तो दुश्मन कौन आ रहा है, यहूदी, सिर्फ एक दुश्मन आ रहा है, और वो कौन सा है बेटा, सारे बताएं मुझे, यहूदी कौन। अब ये देखें कि जब ये सारा काम हुआ वहां पे, तब हमारे पास फलस्तीन नहीं था, ठीक है, फलस्तीन को फिर किसने आजाद करवाया बेटा, खुलफाए राशिदीन में से, किस खुलफाए राशिदीन ने आजाद करवाया था बताएं मुझे, हजरत उमर फारूक ने, राइट, आप वहां पे गए और मस्जिद अक्सा को फतह किया गया। उसके बाद ये क्या हुआ, आपको पता है कि सलीबी जंगें दोबारा चली थी जिनसे हमारे साथ फलस्तीन दोबारा निकल गया था, और इसको फिर दोबारा किसने आजाद करवाया था, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने। उसने जब वो छोटा था, वो अपने शहर इराक के शहर में, वो एक उसने एक मेंबर देखा मस्जिद का, मेंबर लकड़ी का,
और उसने कहा कि ये तुमने बहुत खूबसूरत बनाया है। तो जो उसने बनाया था उसने आगे से कहा कि ये मैं अपने मस्जिद के मेंबर पे लगाऊंगा, लेकिन सलाहुद्दीन उसने कहा कि नहीं, ये हम अपनी मस्जिद के मेंबर नहीं लगाएंगे, ये हम मस्जिद अक्सा में मेंबर लगाएंगे। उसकी ये बचपन से उसकी ये सोच थी कि मैंने मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाना है। उन्होंने जब आज़ाद किया और वही मेंबर वहां पर लगाया गया। अगर हम इसे आगे चलते हैं तो फिर ये किसके पास आ गया, सल्तनत उस्मानिया के नसीर नजर आ गए फलस्तीन। लेकिन बात तो होती है यहूदियों की, यहूदी कहाँ पे गए फिर? बात तो हम यहूदियों की कह रहे थे। इन्होंने अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आए, इन्होंने अपनी चालबाजियां शुरू रखी और अपनी चालबाजियों से इन्होंने रोमन एम्पायर को तोड़ा। उसके बाद इन्होंने क्रिश्चियनिटी में दो मजहब, दो फिरकों का इन्होंने बुनियाद रखी, और वो कौन थे? यहूदियत कौन थे जिसने ये सारा काम किया। उसके बाद बेटे ये आगे हम चलते हैं, जब ये सारा कुछ कॉन्स्पिरेसीज चलते रहे, फास्ट फॉरवर्ड हम करते हैं, सुल्तान अब्दुल हमीद दोम सुल्तनत उस्मानिया का, उनके पास जो यहूदियों का लीडर था थियोडोर हर्जल, वो उनके पास गया था और उन्होंने कहा था कि मैं आपको 200,000 सोने की अशरफियाँ देता हूँ और आप लोग मुझे फलस्तीन दे दें। तो सुल्तान अब्दुल हमीद ने क्या जवाब दिया था कि फलस्तीन सिर्फ मेरा मुल्क नहीं है, ये किसका मुल्क है? उम्मत मुस्लिमा का, तमाम उम्मत का ये मुल्क है, ये सिर्फ मेरा नहीं है। लेकिन यहूदियों ने अपनी चालबाजियां और की और उनको तख्त से हटा दिया। उसके ठीक 20 साल बाद फलस्तीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया और तब उन्होंने वहां पे पहली काश्तकारी की, फल वगैरह वहां से जो निकले, फसल जो निकली वो सुल्तान अब्दुल हमीद को तोहफा भेजी। ये बच्चा एक मैं आपको एक प्यारी सी बात बताऊं, वहां पे जब सुल्तान अब्दुल हमीद के पास वो टोकरा पहुंचा, उसमें खत लिखा हुआ था कि तुमने हमें ठुकराया था, हमने फलस्तीन ले लिया और अब हम कभी भी वापस नहीं करेंगे, ये उस खत पे लिखा हुआ था। तब उस सुल्तान जो कि माजूल हो चुके थे वो रो रहे थे, उनके बेटे ने उनसे पूछा कि बाबा आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा कि बेटा सिर्फ मैं नहीं रो रहा, आज मेरा दिल भी रो रहा है, आज आसमान भी रो रहा है, आज सब रो रहे हैं, आज वो मुसलमान भी रो रहे हैं जिनका जमीर जिंदा है। क्यों? क्योंकि आज फलस्तीन हमारे हाथ से चला गया। उसके बाद इनकी चालबाजियां चलती रही, सल्तनत उस्मानिया टूटी, डिफरेंट छोटे छोटे मुल्कों में बने और इन्होंने क्या किया, यहूदियों ने 1948 में अपने मुल्क की बुनियाद रख ली इसराइल की। लेकिन ये वहां पर भी नहीं रुके, 1970s में इन्होंने दोबारा फलस्तीन पे हमला किया, जो उन्होंने आबादियां उनकी आबाद थी फलस्तीन की उन्हें मारा, उनको कत्ल किया और दोबारा उन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद इन्होंने 2012 में दोबारा शुरू किया, यही मराहल हुए और अब 2023 अभी भी यही काम हो रहा है। मैं आपको सिर्फ जाते हुए एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो कौम है जिसको हम समझते हैं कि ये कुछ नहीं है, हम कहते हैं कि हम अगर इनके प्रोडक्ट्स को बैन कर देंगे, ये छोटी सी कौम है, लेकिन बच्चों ये वही कौम है जिसने पूरी उम्मत मुसलमा को आगे लगाया हुआ है। एक छोटे से लोग हैं, कुछ हजारों के लोग हैं, लेकिन वो पूरी उम्मत से काबू में नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्या हमारे अंदर जमीर नहीं है? क्या हमें अपने बहन भाइयों का, बच्चों का एहसास नहीं है? अभी पिछले दिनों 3 दिन पहले एक फलस्तीनी मुसलमान दादा, उसने अपने 4 साल के 2 पोतों के लाशें अपने हाथ में पकड़े हुए थे और वो कह रहा था कि बच्चों तुम लोग बहुत अच्छी मुकाम पे पहुंच गए हो, तुम लोग पुरसकून मकाम पे पहुंच गए हो, लेकिन कहता उसका ईमान इतना अच्छा, ईमान उनका इतना ईमान पुख्ता है, वो ने कह रहे बच्चों को कि मुझे यकीन है तुम्हें इस टाइम पे, इस वक्त तुम्हें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यारत हो रही है, और उनसे एक शिकवा करो, उनसे एक शिकायत करो और ये शिकायत करो कि हम यहाँ पे कत्ल हो रहे हैं, हमारी बहनों के साथ ज्यादती हो रही है, हमारी बहनों के कत्ल हो रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, लेकिन आपकी उम्मत जिसके लिए आपने रो रो के दुआएं की वो उम्मत सो रही है, वो उम्मत हमारे साथ नहीं दे रही। बच्चों मैं यहाँ पे अपनी इसका एंड करता हूँ, लेकिन आप सबसे एक सवाल है और उसका जवाब आप खुद देंगे, अपने आप को खुद देंगे। अगर आखिरत में
हजूर पाक में अल्लाह ताला ने हमसे सवाल कर लिया कि आपके मुसलमान जो थे, मुसलमान बहन भाई, मुसलमान बच्चे, उनका कत्लेआम हो रहा था, आपने क्या किया? आप इस बात का क्या जवाब देंगे? जो दादे ने अपने पोतों से शिकायत का शिकार है कि तुम हजूर पाक से शिकायत करो, आप उसका क्या जवाब देंगे? बच्चों, इस बारे में सोचें और अपने इस मेरे इन सवालों का अपने आप से खुद जवाब लें कि इनका क्या जवाब बनता है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा ज्यूज यहूदियों की हिस्ट्री को पढ़ें। मेरे पास इतना मौका नहीं था कि मैं आपको पूरी हिस्ट्री उनकी बता पाऊँ, लेकिन ये लाजमी पढ़ें आप लोग, और उनकी प्रोडक्ट्स को, उनकी चीज़ों को बैन करें। हम सोचते हैं कि एक बंदा उठेगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन अगर एक बंदा उठे तो उसके साथ दूसरे बंदे भी उठते हैं, कतरे कतरे से एक समुंदर बनता है। बच्चों, इन सवालात का जवाब लाजमी दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। बहुत शुक्रिया सर। तो अब आप सबकी भरपूर तालियों में मैं हम सबकी फेवरेट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी मैम सरताज को स्टेज पर दावत देती हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अजीज मेहमानान गरामी और प्यारे तलबा और तालिबात, आज मुझे ज़रा सा मौका मिला है कि इस प्रोग्राम का नज़रिया मैं आपको इकबाल के तनाजुर से पेश करूं। इकबाल लिखते हैं, कई दहाइयों कबल रिंदाने फरासीस का मेखाना सलामत, रिंदाने फरासीस का मेखाना सलामत, पुर है मय गुल रंग से हर शीशा हलब का, है खाके फलस्तीन पर यहूदी का अगर हक, है खाके फलस्तीन पर यहूदी का अगर हक, हस्पानिया पर हक नहीं क्यों अहले अरब का, मकसद है मलूकियत इंग्लिश का कुछ और, मकसद है मलूकियत इंग्लिश का कुछ और, किस्सा नहीं ना रंज का ना शहद और रतब का। अरब फलस्तीनियों के लिए इकबाल अपनी नसीहत में लिखते हैं कि उनके लिए वाहिद हल खुदी को परवरिश देना है। इकबाल कहते हैं, जमाना न अब भी है जिस सोच से फारिग, जमाना अब भी नहीं है जिस सोच से फारिग, जमाना अब भी नहीं है जिस सोच से फारिग, मैं जानता हूँ वो आतिश, मैं जानता हूँ वो आतिश तेरे वजूद में है। ये हम सबको इकबाल ने कहा था कि हम सब में ये चीज मौजूद है मुसलमानों को। जमाना अब भी नहीं है जिस सोच से फारिग, मैं जानता हूँ वो आतिश तेरे वजूद में है, तेरी दवा ना जनेवा में है ना लंदन में, फिरंग की रगे जान पंजाए यहूद में है। सुना है मैंने कि कौमों की गुलामी से निजात, सुना है मैंने कि कौमों की गुलामी से निजात खुदी की परवरिश और लज्जत नमूद में है। अजीज तलबा और तालिबात, आज हम इंसानी हकूक के जिन अलम बरदारों से उम्मीदें वाबस्ता करते हैं उनकी सच्चाई भी कुछ यूं है, ताक में बैठे हैं मुद्दत से यहूदी सूदखार, ताक में बैठे हैं मुद्दत से यहूदी सूदखार, जिनकी रूबाही के आगे हीच है जूरे पलंग, उनकी साजिशों का हम क्या मुकाबला करेंगे। ताक में बैठे हैं मुद्दत से यहूदी सूदखार, जिनकी रूबाही के आगे हीच है जूरे पलंग, खुद ब खुद गिरने को है पके हुए फल की तरह, देखते हैं पड़ता है आखिर किसकी झोली में फिरंग, लेकिन दुनिया में इस वक्त करंट स्टेट को देखते हुए इकबाल का एक शेर लाजमी तौर पर मेंशन करना चाहूंगी। कहते हैं,
शोर है हो गए हैं दुनिया में मुसलमान नाबूद, शोर है दुनिया में हो गए हैं मुसलमान नाबूद। हम ये कहते हैं क्या थे भी मुस्लिम कभी वजूद, हम ये कहते हैं क्या थे भी कभी मुस्लिम वजूद। वजा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। ये अरब अजम के उन तमाम मुसलमानों से मैं कहना चाहूंगी कि अपने आप पर जरा सा गौर कर लें, जरा सा गौर, क्योंकि बाहर से कोई इमदाद कभी नहीं आएगी। सिर्फ हम लोग हैं जो आजादी का आलम उठाते हैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नाम पर, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नाम पर। इस पूरी दुनिया में बादशाह सिर्फ अल्लाह की है। गजा में वो मुसलमान क्यों शहीद हो रहे हैं? उनको आज़ादी प्यारी नहीं, उनको भी बहुत प्यारी है, उनको भी सुकून बहुत अच्छा है, अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं। बच्चों बस अपने इस्लाम को अपने अंदर बसा लें और अपने दीन से मोहब्बत करें, अपने अल्लाह से मोहब्बत करें, इंशाल्लाह हम फलस्तीन को आज़ाद करवाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत खूब। अब मैं दावा देती हूँ प्रोफेसर अब्दुल्ला मुदस्सिर को कि वो स्टेज पर आए और आप सबकी रहनुमाई करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد صدق الله العظيم। اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو حق و باطل کا یا اہل ایمان اور اہل کفر کا جو بنیادی تنازع بتایا ہے عزیزان گرامی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری اور ان کافروں کی اس کے سوا آپس میں کوئی لڑائی نہیں تھی کہ تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر آئے تھے۔ تو بنیادی طور پر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پہ کافی تفصیلی سر ماجد صاحب نے بھی بات کی ہے، آپ طلبہ طالبات نے بھی تقریریں کی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جو بنیادی بات ہمیں ان محفلوں سے سمجھ کے جانے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اور ان کا بنیادی مسئلہ کیا ہے یا بنیادی تنازع کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر آئے ہیں اور وہ لوگ اللہ رب العالمین کی باغی قومیں ہیں۔ اور اگر یہی میسج ہمیں سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے ہمارے ایمان میں مزید پختگی ہو، ہمارے ایمان میں مزید مضبوطی آئے، اس لیے کہ وہ ان سارے کاموں کے نتیجے میں یہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے دلوں سے اللہ رب العالمین کی محبت، ایمان کی محبت، دین سے محبت ختم کر دی جائے۔ کہیں پہ وہ اپنی تہذیب کی صورت میں کرتے ہیں اور وہ علاقے جہاں ان کی تہذیب غالب نہیں آ سکتی ہے وہاں پہ وہ توپ اور گولی اور بندوق کے نتیجے میں یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اول تو مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کو ختم کر دیا جائے اور وہ خطے کے جن کے ایمان مضبوط ہیں یا جو ان کے مقابلے پر کھڑے ہیں انہی کو ختم کر دیا جائے تاکہ دنیا سے ایمان کا خاتمہ ہو جائے اور اللہ رب العالمین کو ماننے والے ختم ہو جائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی کانفرنسز کا، ایسے سیمینارز کا جو بنیادی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اس لیے کہ سورہ توبہ کی ایک بہت خوبصورت آیت ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اہل ایمان اگر کوئی ایسا کام بھی کرتے ہیں جس سے کافروں کو دکھ پہنچتا ہے یا تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر بھی ان کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو ہم کوئی ایسا کام کریں، مثال کے طور پہ وہ فلسطین کو تباہ کرنا چاہتے تھے، آج ایسا لگتا ہے کہ شاید ساری دنیا کے مسلمانوں کے جھنڈا فلسطین کا جھنڈا ہی ہے، اگر وہ فلسطینیوں کو ختم کرنا چاہتے تھے تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ پوری دنیا سے اہل فلسطین کے لیے محبت کے پیغامات آنے لگ گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پوری امت مسلمہ میں ایک بیداری کی لہر پیدا ہو گئی۔ اگر میرے اور آپ کے ایک ٹویٹ کرنے سے یا ایک فیس بک میسج کرنے سے یا اپنے آپ کو فلسطینی بھائیوں کا بھائی کہنے سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک کنٹریبیوشن ہے جو ہمیں کرنا چاہیے، اور بہت چھوٹی چھوٹی ایفرٹ بھی، بھلے اس سے شاید اس پوری دنیا میں کوئی فرق نہ پڑتا ہو، مثال کے طور پہ پیپسی نہ پینے سے، کوک نہ پینے سے یا ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنے سے شاید ان کی کمپنی کو کوئی نقصان نہ پہنچے،
और हो सकता है ना पहुंचे, लेकिन बहरहाल मैं और आप अल्लाह के यहाँ सुरखरू हो सकते हैं ये कहकर कि अल्लाह जी मैंने अपने तई कोशिश करके देख ली थी। तो इसलिए भले आप लोगों की वो कोशिश थोड़ी और मामूली ही क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर मुझे और आपको मुस्तकिल मिजाजी दिखानी है। और हमारी बेटी ने जो बहुत सारे अशार अभी मोमिना ने पढ़े, उसमें सिर्फ एक शेर आपके लिए कि जो उन्होंने कहा कि वजा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। असल में हमारा जो अपना गेटअप है, हमारी जो अपनी अकदार है, वो इस वक्त बहुत बदल चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि इस फलस्तीन कॉन्फ्रेंस के नतीजे में हम लोगों को आपस में ये अहद करना चाहिए कि हम इस्लामी अकदार को, इस्लामी जितनी हमारी वैल्यूज़ हैं उनको दोबारा से ज़िंदा करें और हर वो काम करें जिससे शैतान को तकलीफ पहुँचती है। अपनी मस्जिदों को आबाद करें और अपनी बेटियां जो हमारी हैं वो अपने सरों को ढकें, जिस जिस नतीजे से उनको गुस्सा आ सकता है उस काम को इख्तियार करें, ताकि पूरी दुनिया के अंदर हम अपनी एक शनाख्त कायम कर सकें। और हमारे इस अमल के नतीजे में उन्हें ये मैसेज मिले कि हम तो इन्हें तबाह करना चाहते थे। ये सब एक शेर है कि इस्लाम की फितरत में अल्लाह ने ये एक रखी है, कुदरत ने एक उसके अंदर ये वसफ रखा है कि जितना इसको दबाते हैं ये उतना उठ के सामने आता है। या जैसे इकबाल ने कहा कि मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान मगरिब ने, तो ये जो तूफान मगरिब आया है इसके नतीजे में अगर तूफान अक्सा आ जाए और हम लोग अपने अंदर इस्लाम की और ईमान की मोहब्बत पहले से ज़्यादा जागृति करें, हमारी मस्जिदें आबाद हो जाएँ, हमारे कुरान जो है जो वर्क बंद पड़े हैं घरों में वो खुलना शुरू हो जाएँ, तो मैं समझता हूँ कि ये इस फलस्तीन कॉन्फ्रेंस का या इस पूरी जिहाद और जंग का जो है वो हासिल नतीजा है। इसलिए भले वो छोटा काम हो, लेकिन कोई ऐसा काम जिससे आपके लिए कोई नेकी लिखी जा सके उसका एहतमाम करें, यही इस सारे प्रोग्राम का जो है वो हासिल है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मुबारक देना चाहूँगा MIT की फैकल्टी को, उनकी हेड को और आप सब तलबा तालिबात को जो इस कॉज को ज़िंदा रखे हुए हैं। बेटा जो ज़िंदा कौमें होती हैं वो यही करती हैं कि अपने कॉजेज को ज़िंदा रखती हैं, तो अगर आप लोग भी इस कॉज को ज़िंदा रखने में कामयाब रखते हैं तो मैं समझता हूँ कि इसराइल का, अमेरिका और पूरी दुनिया के कुफर का जो एजेंडा है वो बहरहाल नाकाम हो जाता है। तो इसलिए आपके मुंह से निकलने वाले ये नारे, आपकी तरफ से निकलने वाले ये पैगामात, मैं समझता हूँ कि बहुत अहमियत के हामिल हैं। इन्हें किसी तौर भी छोटा और कम कीमत समझिएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि अपनी ज़िंदगी को किसी बड़े मकसद के लिए वक्फ करने के लिए तैयार करें। मेरा ख्याल है कि वह आप ही के डिपार्टमेंट का एक तालिबे इल्म जो अभी दो दिन पहले वफात पाया है, उसने मुझे और आपको ये पैगाम दिया है कि ये जिंदगी बहुत अर्जा और बहुत जो है ना वो हल्की सी है, ना पायदार है, लाफानी है, जो किसी वक्त भी चौक और चौराहे में आ जानी है। अगर वो हमारा भाई कामरान जो हमसे अभी दो दिन पहले बिछड़ा है और उसकी जो तस्वीरें मैंने देखी हैं वो इसी स्टेज के ऊपर फलस्तीन से अहले मोहब्बत का इजहार कर रहा था, मोहब्बत का इजहार कर रहा था, तो अजीजाने ग्रामी ये मौत मुझे और आपको भी किसी वक्त भी आ जानी है। अहम ये है कि हम इस जिंदगी को किसी बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल करें कि हमारी जिंदगी जो है वो भी काबिल रश्क हो और हमारी मौत उससे ज्यादा जो है वो काबिल तकलीद हो। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।